हैं आज क्या माजरा बोलते ना माजरा है जाने विशेष अधिकार है पीते पीते कभी ये जान छोड़ वो बहुत बढ़िया आज के वैसे सच बात है ऐसी ड्रिंक्स का ना वेलकम टू शारदाज वर्ल्ड शारदा की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ पर खूब सारा लहसुन और सूखी लाल मिर्च जिसको 4-5 घंटे के लिए मैंने सोक कर लिया है, इन दोनों का मैं पेस्ट बनाऊंगी। और ये देखिए खूब सारी सब्जियाँ, कच्चा केला, सीताफल, बैंगन, कैप्सिकम और अलग से मैंने ये देखिए गोभी कट कर रखे हैं। तो आप सब सोच रहे होंगे क्या बनाने वाली हूँ मैं, तो मैं बनाऊंगी आज पाव भाजी, जिसके लिए सबसे पहले लहसुन लाल मिर्च का पेस्ट बनाते हैं और आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये देखिए मानस के लिए मैं ओट्स बना रही हूँ, जिसमें ओट्स है, बादाम, मखाना, अखरोट का पाउडर है, 1 खजूर को मैंने मैश करके डाल दिया है। इसको पानी के साथ पका लेती हूँ, बाद में थोड़ा सा दूध ऐड करती हूँ और थोड़ा सा हल्का मिठास के लिए, वैसे खजूर से मीठा हो जाता है लेकिन थोड़ा सा मैं देसी खांड या जैगरी पाउडर ऐड कर देती हूँ। सुबह सुबह किचन में नाश्ते की तैयारी चल रही है, सबसे पहले मानस का ब्रेकफास्ट बना के अलग रख देते हैं। और यहाँ पर मैं भाजी जब भी बनाती हूँ विदाउट आलू वाला बनाती हूँ फ्रेंड्स, लेकिन यकीन मानिए आपको जरा सा भी फील नहीं होगा जो इस भाजी में आलू नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला भाजी खाने में। कई बार शेयर कर चुकी हूँ, आप ट्राई कर सकते हैं, अपने पसंद का कोई भी सब्जी डाल सकते हैं आलू के अलावा, हाँ कच्चा केला और सीताफल मस्ट है। तो तेल में तेजपत्ता और जीरा का तड़का ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर जो सब्जी कट करके रखे थे, बैंगन, सीताफल, गोभी, ये सारे कुछ ऐड कर दिए हैं। लहसुन तड़का ऐड करने के बाद मैंने लहसुन लाल मिर्च का पेस्ट डाला था, उसके कच्चापन के हटने के बाद ये सारी सब्जी ऐड किए थे। और ये देखिए कुकर थोड़ा सा छोटा हो गया, लेकिन हम गृहिणियाँ जो होती है ना बहुत जुगाड़ू होते हैं, इसी से काम चलाएंगे। जब सब्जी थोड़ा सा गल जा गया फिर मैंने इसमें टमाटर और धनिया जीरा पाउडर, नमक, हल्दी और काला नमक भी ज़रूर ऐड करना, सादा नमक और काला नमक और खूब सारा पाव भाजी मसाला, इन सभी मसाले को ऐड करके अच्छी तरह से भुनाई कर लेना है और फिर 3 से 4 व्हिसिल आने तक पका लेंगे। हाँ, इसमें शिमला मिर्च मैंने ऐड नहीं किए हैं, शिमला मिर्च और मटर को मैं अलग से फ्राई करके बाद में ऐड करूँगी, जब सब्जी पक जाएगा उसको मैश करने के बाद अलग से ऐड करूँगी ताकि उसका थोड़ा सा क्रंच भाजी में दिखे। और यहाँ पर मानस महाराज, जब भी सुबह सुबह मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ मानस महाराज जग जाते हैं और देखिए किचन का हाल क्या उथल पुथल हुआ पड़ा है, सारे ड्रॉ ये देखिए खींचा हुआ है, उलट पलट कितना भी मैं सेट कर दूँ उसको बिगड़ना ही है। वहाँ देखिए दूर सॉक्स है, उस रूम से सॉक्स आके फेंके हुए हैं, हींग का डब्बा, जब प्रोसेस सामान आया था तो उसका ये क्या कहते हैं उसका गत्ता, सब कुछ बिखेर के रखते हैं। तो आजकल मेरी शुरुआत सुबह की मानस महाराज के साथ इसी तरह किचन में होती है। और ये ब्लॉग काफ़ी पुराना है फ्रेंड्स, सरस्वती जब, अब तो एग्ज़ाम हो चुका है उसका, लेकिन जब ये ब्लॉग मैं बना रही थी तो सरस्वती का एग्ज़ाम होने वाला था, तो वो तैयारी में लगी होती थी और रात को लेट नाइट तक जग के पढ़ती थी, तो सुबह थोड़ा लेट उठती थी, तो साइड से कैमरा लगा के मैं क्लिप बना रही हूँ, तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी खराब जा रही है, इसको प्लीज़ इग्नोर करना। तो जब तक सब्जी पक रही है यहाँ पर मैंने कैप्सिकम मटर को ले लिया है थोड़े से तेल में और पाव भाजी मसाला नमक के साथ इसको क्रंची ही सौटे कर लूँगी और बाद में भाजी को मैश करके इसमें इसको ऐड कर दूंगी। ये देखिए सारे भाजी को अच्छी तरह से मैश करना है और बस इसको ऐड कर देंगे और इसमें थोड़ा सा नींबू का जूस और अगर चाहो तो थोड़ा सा बटर मैं इकट्ठे ही ऐड कर देती हूँ ताकि भाजी वाला फ्लेवर भी आ जाए, थोड़ा बटर का फ्लेवर भी आ जाए और ज़्यादा किसी के थाली में नहीं जाए। और कभी कभार तो मैं बिल्कुल नहीं डालती बटर, ऐसे ही हम सिर्फ नींबू का जूस, धनिया का पत्ता ऐड करके इसको हम खा लेते हैं। तो यहाँ पर नींबू का जूस ऐड करूँगी, धनिया पत्ता बटर ऐड कर दिया है, थोड़ा सा धनिया पत्ता बाद में भी ऐड करूंगी लास्ट में गार्निश करने के टाइम में, अभी थोड़ा सा मैंने यहाँ ऐड किया है और अब लास्ट में एक बार नींबू बटर धनिया पत्ता मिक्स करने के बाद लास्ट में थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए यूज करूंगी। तो मेरा यम्मी सुपर हेल्दी भाजी तैयार है और बस फटाफट से पाव से के नाश्ता लगाते हैं। और आप सब बताना फ्रेंड्स, मेरे कौन कौन से फ्रेंड्स ये खतरों से खेलना मेरा काम है वाला काम करते हैं, ये देखिए ये मैं ज़्यादातर करती हूँ और इसीलिए मेरे हाथ कभी यहाँ कभी वहाँ जले रहते हैं। और आगे मैं आज किट्टी में भी जाने वाली हूँ, तो लास्ट तक बने रहना फ्रेंड्स, हम सब फ्रेंड्स ने किट्टी में काफ़ी एंजॉय किए थे। ब्लॉग काफ़ी पुराना है, सरस्वती का पेपर था, फैमिली को मेरी ज़रूरत थी, तो मैं बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बना रही थी क्योंकि मानस को संभालना होता है, सरस्वती लेट नाइट तक पढ़ती थी तो उसके साथ भी जगना होता है, तो बस हमारी ज़िंदगी में काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी। हेलो फ्रेंड्स, तो आज है हमारी किट्टी और किट्टी मेरी फ्रेंड
माधुरी का है लेकिन उसके घर नहीं होगा, हमारा जो कॉमन हॉल है ना वहाँ पर होगा, वो वहीं पर दे रही है। तो चलते हैं कॉमन हॉल और जैसे जैसे जो करेंगे शेयर करेंगे आप सबसे फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट से चलते हैं कॉमन हॉल। और फ्रेंड्स गर्मी तगड़ी वाली है वैसे कॉमन हॉल में ऐसी लगा हुआ है लेकिन लंबा सा हॉल है तो गर्मी वहाँ बहुत होती है। देखते हैं आज क्या माजरा बोलते ना माजरा है ये चलेगी वो कहूं मेरी मर्जी तू बाहर खाएगी अब हम लोग से मेरी मर्जी मैं ये करूं अब ये नहीं चलेगी नहीं चलने वाली है मर्जी नहीं अब ये बाहर खाएगी मर खाएगी। तुम्हें गाना नहीं सुनाते पंछी बनो उड़ के फिर मस्त गगन में आगे के फॉल में यही चीज तो मिस करते हैं ना। किट्टी में हमने क्या क्या खाया ये सारे कुछ हमने मिनी ब्लॉग में अपलोड कर रखा है फ्रेंड्स। मिनी ब्लॉग एक्चुअली मैं बना के अपलोड कर देती हूँ लेकिन ब्लॉग बनाने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए तो इतना टाइम हमारे पास नहीं होता इसलिए ब्लॉग काफ़ी लेट जाता है। क्लिप तो मैं बना लेती हूँ लेकिन बिल्कुल भी एडिट नहीं कर पाती। और हम जो गृहिणी होती है ना उनका सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली होती है तभी फैमिली को मेरी ज़रूरत है। एक्चुअली मैं तकरीबन 2 साल हो गए पहले मेरे ब्लॉग बिल्कुल रेगुलर जाते थे फ्रेंड्स, सिर्फ सैटरडे संडे में नहीं अपलोड करती थी हर दिन जाता था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ दिनेश जी बीमार पड़ गए पर फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता गया जो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता मुझे जो वीडियो एडिट कर पाऊँ। 2 साल से तो दिनेश जी ही बीमार थे उनको मेरी ज़रूरत थी, फिर सरस्वती के पेपर्स, मानस आ गया मानस को मेरी ज़रूरत है तो बस ऐसे ही लाइफ चल रही थी। तो क्लिप तो मैं बना लेती थी लेकिन एडिटिंग का काम नहीं हो पाता है तो लेट लेट वीडियो जाता है फ्रेंड्स। देखिए कब तक मैं इसको सही कर पाती हूँ। और तंबोला तो मस्ट है किट्टी में आने कि हमारी किट्टी में तो वही सबसे पहले हमने हल्का फुल्का स्नैक्स लिए थे फिर तंबोला खेला था और क्या क्या खाया था मैं बोले थी आप सबसे शेयर कर चुकी हूँ। फिर भी बहुत सारी चीज़ें थी ढोकला था कचौड़ी थी आलू की सब्जी थी स्वीट्स थे और बड़ा था सांभर था खीर था लास्ट में आइसक्रीम था काफ़ी चीज़ें थे। और साथ के साथ सबका मस्ती मजाक भी चल रहा था फ्रेंड्स। आज मजाक हर बार कोई ना कोई एक टारगेट होता है तो आज मैं थी मैं जो दिनेश जी के साथ रील बनाती हूँ ना तो मुझे तो बिल्कुल भी डांस करने नहीं आता है। बच्चे ज़बरदस्ती बोलते मम्मी आप बनाया करो अच्छा लगता है हमें देखना हमारे लिए एक यादगार रहेगा तो बस मैं थोड़ा बहुत ठुमक लेती हूँ लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं आता। तो वही सारे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ा रहे थे जो शारदा तो ऐसे डांस करती है भाई साहब को एकदम ठेल ठेल के डांस में आगे तक भगा देती है। तो यही सब देखिए सब कितनी हंसी मजाक कर रहे हैं मतलब ये बीच में ममता है ये जो खड़ी हुई है ना अभी ये ममता है ये देखिए आगे जाके मेरा मजाक बनाएगी। अभी मैं जो थाली सर्व करती हूँ ना तो थाली कैसे सर्व करती हूँ जो थाली अपलोड करती हूँ रोज़ उसका मजाक बना रही है और आगे जाके इसको क्या कहते हैं बबीता को उठाएगी और तब दिखाएगी जो कैसे मैं अपने रील्स में दिनेश जी को के साथ डांस करती हूँ ना तो ठुमकते उनको आगे ठेलती जाती हूँ। तो वही सब हंसी मजाक कर रहे थे प्रशंसा भी कर रहे थे बोले तो मुझे अच्छा लगता तुझे देखना साथ के साथ साथ मजाक भी बना रहे थे। और मुझे बलि का बकरा बनाने के बाद ये देखिए अब बन रहा है छिड़ रहा है दूसरा मुद्दा और ये ऐसा मुद्दा है जिसको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकती लेकिन काफ़ी क्या बताऊँ इंटरेस्टिंग मुद्दा पर बहस चल रहा था और हम सब ने काफ़ी ठहाका लगा के खूब मस्ती किए थे खूब मजाक खूब हंसी ठहाका खूब मस्ती किए थे और मैं तो काफ़ी इंजॉय की थी क्योंकि आजकल मेरा हर किट्टी में जाना पॉसिबल नहीं हो पाता तो काफ़ी दिन के बाद जाती हूँ तो और इन्जॉय किया था। लेकिन अब बहन बगल में आ गई है तो मैं जाती रहूँगी। पहले बहन थोड़ा सा हमारी सोसाइटी से दूर रहती थी तो छोड़ना मुश्किल होता था मानस को जाके कहीं जाना होता था तो लेकिन अब बहन जो है ना बिल्कुल जस्ट बगल में आ गई है तो किट्टी उट्टी में अब अटेंड कर सकती हूँ। मेरा बेटा जन हाय करो हाय करो मानू कहाँ गए मानू हाय हेलो और हम किट्टी से आ गए हैं मानू को लेने के लिए इसको अपनी मम्मी के पास छोड़ के गए थे। अब मानू जाएगा मेरे पास थोड़ी देर घूमी करेगा मेरे साथ फिर जाएगा। और फ्रेंड्स फिर मैं घर नहीं गई नीचे से ही अचानक प्लान बन गया जो चलो मार्केट चलते हैं बहन को कुछ लेना था और मुझे भी एक दो नाइटी लेने थे तो चलो मार्केट चलते हैं। तो फिर मैं आ गई थी मार्केट यहाँ पर बहन ने एक दो टॉप्स लिए थे ये देखिए टी शर्ट ड्रेस और एक दो सामान कुछ हमें भी लेने थे डेली यूज के जो होते हैं ना छोटे मोटे चीज़ें ये लेने थे और लास्ट में हमने थोड़ी मेहंदी लगाई थी
अचानक से प्लान बना चलो मेहंदी लगाते हैं। और घर आके मैंने ये थाली तैयार की थी, पालक वाली एक कड़ी बनाई थी और सुबह दिनेश जी के लिए मैंने मटर और गोभी सूखा बनाया था लंच के लिए, तो वो रख लंच बॉक्स के लिए तो रखा हुआ था, तो थाली में वो दिखा दिया है। तुरई का भुजिया बनाया था, सैलेड और साथ में बाजरे की रोटी। लेकिन फ्रेंड्स आप सब एक बात शेयर करना, अगर खुद का पेट भरा हुआ हो ना तो बिल्कुल भी खाना बनाने का मन नहीं करता। बड़ी मुश्किल से मैंने ये बनाई थी। बाय बाय, टेक केयर। इवन इफ यू ट्राई।